देखो मेरे ज्यामिति बॉक्स में कितने उपकरण हैं और मेरे उपयोग से ही सीधी सरल रेखाओं की रचना की जा सकती है ना प्रकार बहना। हाँ, लेकिन पैमाना भैया, मैं ना हूँ तो बच्चे वृत्त खींचकर सुंदर सुंदर डिजाइन कैसे बनाएंगे। हाँ ये तो ठीक है, परंतु चांदे भैया भी तो बहुत उपयोगी हैं। हाँ, चांदे से तो बच्चे केवल अलग अलग माप के कोण की रचना कर सकते हैं, लेकिन मेरा जादू तो ऐसा है कि मेरी सहायता से बच्चे विभिन्न प्रकार की रोचक रचनाएं झटपट कर लेते हैं। अच्छा, कौन कौन सी रचनाएं? जरा मुझे भी तो समझाओ ना, प्लीज मुझे भी तो सिखाओ ना। हाँ हाँ जरूर। अरे पैमाना भैया, तुम्हारे बिना तो मैं अधूरी हूँ। तुम्हारी सहायता से ही तो मैं एक एक करके सभी रचनाएं करूँगी। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पिछली कक्षाओं में सीखी गई कुछ आधारभूत रचनाओं की पुनरावृत्ति करेंगे। चलो तो फिर अब हम रचनाएं करना शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन पैमाने भैया, रचनाएं करने से पूर्व हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अच्छा, अगर ऐसा है तो पहले ये जरूरी बातें अच्छे से समझा दो। सबसे पहले ध्यान रखो
की रचनाओं में केवल तुम्हारा और मेरा यानी पैमाने और प्रकार का ही प्रयोग किया जाएगा और रचनाओं में फ्री हैंड रचना बिल्कुल नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ स्पष्ट तथा सुंदर रचना के लिए शार्प पेंसिल का ही उपयोग किया जाना चाहिए और रचना हमेशा स्वच्छ नामांकित तथा मापन के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है प्रकार बहना, अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम तुम मिलकर विभिन्न रचनाएं करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकार तथा पैमाने से एक रेखाखंड का लंब सम द्विभाजक खींचते हैं। इस रचना की हमें खूब प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि इसका प्रयोग हम वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म की रचना के समय करेंगे। रेखाखंड का लंब सम द्विभाजक खींचना। एक दिए हुए रेखाखंड AB पर एक ऐसा बिंदु C ज्ञात कीजिए जो AB को दो बराबर भागों में विभाजित करें, अर्थात AC बराबर CB हो। समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर किसी भी रेखाखंड या कोण के दो बराबर भाग करता है। इसके लिए हम सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB पैमाने की सहायता से खींचते हैं। अब A को केंद्र मानकर AB के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर AB के दोनों ओर एक एक चाप लगाते हैं। फिर B को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से दो चाप इस प्रकार लगाते हैं कि वे पहले दो चापों को L और M पर काटें। अब L M को मिलाते हैं जो AB को C पर काटता है। बिंदु C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, अथवा हम कह सकते हैं कि AC बराबर CB। सत्यापन। अब पैमाने से माप कर इसका सत्यापन कर सकते हैं कि AC बराबर है CB। और कोण मापक की सहायता से सत्यापित करते हैं कि LM लंब है AB। दिए गए कोण के बराबर कोण की रचना प्रकार की सहायता से करना। इस रचना का उपयोग हम एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बांटने के समय तथा दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना के समय करेंगे। एक कोण ABC दिया है। इस कोण के बराबर के कोण की रचना कीजिए। इसके लिए सर्वप्रथम दिए गए माप के एक कोण ABC की रचना करते हैं। अब B को केंद्र बिंदु मानकर कोई भी सुविधाजनक त्रिज्या लेकर चाप लगाते हैं जो BA और BC को क्रमशः
पी और क्यू पर काटती है। अब एक किरण ओ एक्स खींचते हैं। अब ओ केंद्र से इसी त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं, जो ओ एक्स को आर पर काटती है। फिर पी क्यू त्रिज्या से आर को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं, जो पहले चाप को एस पर काटती है। अब ओ एस को मिलाते हुए किरण ओ वाई खींचते हैं। ये कोण एक्स ओ वाई अभीष्ट कोण है, जिसकी माप कोण ए बी सी के बराबर है। सत्यापन। कोण मापक की सहायता से मापने पर हम पाते हैं कि कोण ए बी सी बराबर है कोण एक्स ओ वाई। दी गई रेखा के बाहर स्थित किसी बिंदु से दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचना। ये रचना भी रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बांटने के समय तथा एक दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना के समय सहायक सिद्ध होगी। रेखाखंड एबी के बाहर स्थित किसी बिंदु के से एक रेखाखंड खींचिए जो एबी के समांतर हो। इसके लिए सर्वप्रथम हम रेखाखंड एबी पर कोई बिंदु सी लेते हैं। अब सी के को मिलाते हैं। अब के पर कोण सी के आर बराबर कोण के सी बी की रचना करते हैं। अब हम आर के को Q तक बढ़ाते हैं। अब K से होकर जाने वाली तथा AB के समांतर वांछित रेखाखंड RQ है। दिए गए कोण का समद्विभाजन यानी दो बराबर भाग करना। आओ अब कोण समद्विभाजक की रचना की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसी के उपयोग से हम अत्यंत सरलता से 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री और अन्य इसी प्रकार संभव कोणों की रचना कर सकते हैं। एक दिए गए कोण ए बी सी का समद्विभाजक खींचिए। इसके लिए सर्वप्रथम बी को केंद्र मानकर एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं, जो बी सी को ई पर तथा ए बी को डी पर काटती है। अब डी और ई को बारी बारी केंद्र मानकर सुविधाजनक त्रिज्या अर्थात दोनों बार बराबर त्रिज्या लेकर चाप लगाते हैं।
जो एक दूसरे को आर पर काटती है। अब बी आर को मिलाते हैं। ये बी आर कोण ए बी सी का अभीष्ट समद्विभाजक है। सत्यापन, कोण मापक की सहायता से मापने पर हम पाते हैं कि कोण ए बी आर बराबर है कोण आर बी सी। साठ डिग्री के कोण की प्रकार द्वारा रचना। इसके लिए सर्वप्रथम एक किरण बीसी खींचते हैं। अब बी को केंद्र मानकर एक सुविधाजनक त्रिज्या से एक चाप लगाते हैं जो बीसी को डी पर काटती है। अब डी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक चाप इस प्रकार लगाते हैं कि वो पहली चाप को ई पर काटे। अब बी ई को मिलाकर ए तक बढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार कोण एबीसी बराबर 60 डिग्री है। सत्यापन, कोण मापक की सहायता से मापने पर हम पाते हैं कि कोण एबीसी बराबर है 60 डिग्री। एक सौ बीस डिग्री के कोण की रचना प्रकार द्वारा। इसके लिए सर्वप्रथम एक किरण बीसी खींचते हैं। बी को केंद्र मानकर सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं जो बीसी को डी पर काटती है। डी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक चाप इस प्रकार लगाते हैं कि वो पहली चाप को ई पर काटे। और इसी प्रकार ई को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक और चाप लगाते हैं जो डी से शुरू हो रही चाप को एक और बिंदु F पर काटे। B F को मिलाकर A तक बढ़ाते हैं। अब कोण ABC बराबर है 120 डिग्री। सत्यापन, कोण मापक की सहायता से मापने पर हम पाते हैं कि कोण ए बी सी बराबर है 120 डिग्री। 30 डिग्री के कोण की रचना। इसके लिए सर्वप्रथम कोण बी क्यू आर बराबर 60 डिग्री की रचना करते हैं। अब हम कोण BQR का समद्विभाजक QP खींचते हैं। अब कोण PQR बराबर है कोण BQP जो बराबर है 30 डिग्री। सत्यापन,
कोण मापक की सहायता से मापने पर हम पाते हैं कि कोण PQR बराबर है 30 डिग्री तथा कोण BQP बराबर है 30 डिग्री। पैमाने व प्रकार की सहायता से 90 डिग्री के कोण की रचना करो। रचना के चरण। सर्वप्रथम एक किरण BC खींचते हैं। B को केंद्र मानकर सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं जो BC को D पर काटती है। अब D को केंद्र मानकर तथा उसी त्रिज्या की चाप इस प्रकार लगाते हैं कि वो पहली चाप को E पर काटे और इसी प्रकार E को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक और चाप लगाते हैं जो D से शुरू हो रही चाप को एक और बिंदु F पर काटे। अब हम क्रमशः E तथा F को केंद्र मानकर इसी त्रिज्या की चाप से P बिंदु प्राप्त करते हैं। अब BP को मिलाते हैं। इस प्रकार कोण PBC बराबर है 90 डिग्री। सत्यापन। कोण मापक की सहायता से मापने पर हम पाते हैं कि कोण PBC बराबर है 90 डिग्री। अरे प्रकार बहना, अब तो कोण बनाना चुटकी का खेल हो गया है ना? हाँ, चलो तो अब तैयार हो जाओ चुटकियाँ बजाते बजाते त्रिभुज की रचनाओं की पुनरावृत्ति भी कर लेते हैं। परंतु बहना, त्रिभुज की रचनाओं से पहले मेरी एक उलझन तो दूर करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो तो। ये तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती और अगर तीनों भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज की रचना हो सकती है। परंतु जब भुजाएं बराबर नहीं हैं, तो कैसे पता करें कि त्रिभुज की रचना हो पाएगी या नहीं? हो, बस इतनी सी बात। इसकी जांच के लिए सिर्फ 2 नियम अच्छे से मन में बिठा लो। पहला नियम ये है कि त्रिभुज की रचना के लिए दी गई कोई भी भुजा शेष 2 भुजाओं को मिलाकर बने माप के बराबर या उससे बड़ी ना हो। चलो ये सब मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देकर समझाती हूँ। यदि हमें त्रिभुज की रचना के लिए भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी गई हो, तो इस नियम के अनुसार 2 भुजाओं का जोड़ बराबर है 3 जमा 4 यानी 7 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा बराबर है 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर बड़ा है 7 सेंटीमीटर से, अतः त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। चलो एक और उदाहरण भी लेते हैं। यदि हमें त्रिभुज की रचना के लिए भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दी गई हो, तो इस नियम के अनुसार 2 भुजाओं का जोड़ बराबर है
छः जमा सात यानी 13 और 13 सेंटीमीटर बराबर है तीसरी भुजा के माप के, अर्थात फिर से त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। यानी त्रिभुज की रचना के लिए सदैव उसकी किन्हीं दो भुजाओं का माप तीसरी भुजा की माप से बड़ी होनी चाहिए। और दूसरा नियम ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, अर्थात त्रिभुज की रचना के लिए दिए गए किन्हीं भी दो कोणों का योग 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अच्छा, तो जब तक ये दोनों नियम संतुष्ट नहीं होंगे त्रिभुज की रचना संभव नहीं होगी। हाँ बिल्कुल ठीक। पर अभी भी मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। कौन सी बात? वो ये कि यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप न दी गई हो, यानी भुजाओं की जगह दो कोण की माप दी और एक भुजा की माप दी गई हो, तो फिर क्या हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं। किसी भी विशिष्ट त्रिभुज की रचना के लिए हमें उसके तीन प्रमुख भागों की माप पर्याप्त होती है। फिर चाहे हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दी गई हो या फिर त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा की माप दी गई हो या फिर त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण की माप दी गई हो या समकोण त्रिभुज की रचना की स्थिति में कर्ण तथा एक भुजा की माप दी गई हो। वह प्रकार बहना, तुम्हारा तो जवाब नहीं, तुमने तो झटपट मेरी सारी समस्याएं दूर कर दी और सारी जरूरी बातें भी समझा दी। आओ पैमाना भैया, अब हम और तुम दोनों मिलकर साफ और स्पष्ट त्रिभुज की रचनाएं करते हैं। त्रिभुज की रचना करना जब तीनों भुजाओं के माप दिए गए हो, यानी SSS त्रिभुज रचना। एक त्रिभुज MPL बनाइए जिसमें MP बराबर 4 सेंटीमीटर, PL बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ML बराबर 6 सेंटीमीटर। इसके लिए हम एक अनुमानित त्रिभुज MPL बनाकर उसमें दी गई भुजाएं दर्शाते हैं। इससे हमें सही माप के त्रिभुज की रचना में मदद मिलती है। सबसे पहले पैमाने की मदद से एक रेखाखंड PL बराबर 5 सेंटीमीटर खींचते हैं। अब प्रकार की सहायता से बिंदु P को केंद्र मानकर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचते हैं। इस चाप पर आने वाले सभी बिंदु P बिंदु से 4 सेंटीमीटर दूर हैं। अब बिंदु L को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर पहले चाप को M पर काटते हुए एक और चाप खींचते हैं। स्पष्ट है M बिंदु P से 4 सेंटीमीटर दूर है और L से 6 सेंटीमीटर दूर है।
अब बिंदु M को बिंदु P और L से मिलाते हैं। इस प्रकार त्रिभुज MPL अभीष्ट त्रिभुज है। त्रिभुज की रचना करना, जब उसकी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया गया हो, यानी SAS त्रिभुज रचना। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। इसके लिए हम एक अनुमानित त्रिभुज ABC बनाते हैं जो दी हुई मापों को दर्शाती है। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड AB खींचते हैं। बिंदु B पर परकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण ABY बनाते हैं। B को केंद्र मानकर परकार की सहायता से किरण BY से 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड BC काटते हैं। अब AC को मिलाते हैं। इस प्रकार त्रिभुज ABC एक अभीष्ट त्रिभुज है। त्रिभुज की रचना करना, जब उसके दो कोण और उनके बीच की भुजा दी हुई हो, यानी ASA त्रिभुज रचना। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री तथा कोण A बराबर 105 डिग्री हो। सबसे पहले हम एक अनुमानित आकृति त्रिभुज ABC बनाते हैं जो दी हुई मापों को दर्शाती है। इस रचना में 105 डिग्री का कोण तो हम परकार की सहायता से 120 डिग्री के कोण तथा 90 डिग्री के कोण के समद्विभाजक द्वारा सरलता से बना सकते हैं। परंतु कठिनाई ये है कि यहाँ पर हमें AB की माप नहीं दी गई है, तो अब A पर 105 डिग्री का कोण किस प्रकार बनाया जाए कि वो C पर ही काटे। इसके लिए सरल समाधान ये है कि हम सभी को भली प्रकार ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और यहाँ त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B के मापों का योगफल है 150 डिग्री, तो कोण C बराबर होगा 180 डिग्री घटा 150 डिग्री, अर्थात कोण C बराबर होगा 30 डिग्री। तो चलिए अब हम त्रिभुज की रचना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर
7 सेंटीमीटर खींचते हैं। प्रकार की सहायता से बी पर 90 डिग्री के कोण की रचना करते हैं। क्योंकि वांछित कोण 45 डिग्री है, इसलिए हम इस कोण का समद्विभाजक बी एक्स खींचते हैं। अब सी को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 30 डिग्री के कोण YCB की रचना करते हैं। BX तथा CY एक दूसरे को परस्पर A बिंदु पर काट रहे हैं। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज ABC एक अभीष्ट त्रिभुज है। सत्यापन। चांदी से कोण A को मापने पर पाएंगे कि कोण A बराबर है 105 डिग्री। समकोण त्रिभुज की रचना करना। जब कर्ण एवं एक भुजा का माप दिया गया हो, यानी RHS त्रिभुज रचना। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर तथा कर्ण 4 सेंटीमीटर हो। पहले हम त्रिभुज DEF की अनुमानित आकृति बनाते हैं, जो दी गई मापों को दर्शाती है। सर्वप्रथम रेखाखंड DE बराबर 3 सेंटीमीटर खींचते हैं। अब बिंदु D पर XDE समकोण की रचना करते हैं। बिंदु E को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर कर्ण के बराबर त्रिज्या का चाप खींचते हैं, जो किरण DX को F पर काटता है। EF को मिलाते हैं। इस प्रकार DEF ही अभीष्ट त्रिभुज है। एक रेखा खंड का दिए हुए अनुपात M अनुपात N में विभाजन करना। 7.5 सेंटीमीटर लंबे रेखा खंड AB को 3:2 में विभाजित करो। यहाँ M बराबर 3 तथा N बराबर 2 है। इस रेखाखंड की रचना के लिए सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर खींचते हैं।
ए पर कोई न्यून कोण बी ए एक्स की रचना करते हैं। ए को केंद्र मानकर तथा सुविधाजनक त्रिज्या लेकर प्रकार से ए वन ए टू ए थ्री ए फोर तथा ए फाइव चाप इस प्रकार लगाते हैं कि ए ए वन बराबर ए वन ए टू बराबर ए टू ए थ्री बराबर ए थ्री ए फोर बराबर ए फोर ए फाइव। अब बी ए फाइव को मिलाते हैं। अब क्योंकि एम अनुपात एन बराबर है 3:2 के, इसीलिए ए थ्री पर कोण ए ए पांच बी के बराबर कोण की रचना करते हुए ए पांच बी के समांतर ए थ्री सी खींचते हैं। अब एसी अनुपात सीबी बराबर है 3:2। अब क्योंकि ए थ्री सी समांतर है ए फाइव बी के, इसलिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से ए ए थ्री बटे ए थ्री ए फाइव बराबर ए सी बटे सी बी, ये हुआ समीकरण एक। अब रचना द्वारा ए ए थ्री बटे ए थ्री ए फाइव बराबर 3:2, ये हुआ समीकरण दो। इसलिए समीकरण एक तथा दो से ए सी बटे सी बी बराबर 3:2। अतः स्पष्ट है कि सी ए बी को 3:2 में बांटता है। ऑल्टरनेटिव मेथड। इसी रचना को हम एक अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम रेखा खंड ए बी खींचते हैं। अब बिंदु ए तथा बी पर प्रकार की सहायता से 60° का कोण बनाते हैं। अब क्योंकि m बराबर 3 है, इसलिए a को केंद्र मानकर तथा कोई भी सुविधाजनक त्रिज्या लेकर प्रकार से a1, a2 और a3 चाप इस प्रकार लगाते हैं कि a a1 बराबर a1 a2 बराबर a2 a3। क्योंकि n बराबर 2 है, इसलिए b को केंद्र मानकर तथा इसी त्रिज्या को लेकर प्रकार से b1 b2 चाप इस प्रकार लगाते हैं कि b1 बराबर b1 b2।
B2A3 को मिलाते हैं। अब AC अनुपात CB बराबर है 3:2 के। फिर से यहाँ पर त्रिभुज AA3C त्रिभुज BB2C के समरूप है, क्योंकि AX समांतर है BY के। इसलिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से AA3 बटे BB2 बराबर AC बटे BC। ये हुआ समीकरण 1। लेकिन रचना से AA3 बटे BB2 बराबर 3:2। अतः समीकरण 1 तथा 2 से AC बटे BC बराबर 3:2। एक दिए हुए त्रिभुज के समरूप एक दिए गए स्केल गुणक में त्रिभुज की रचना करना। यहाँ स्केल गुणक का तात्पर्य रचना किए जाने वाले त्रिभुज की भुजाओं का दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात से है। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, और वो ये कि समरूप त्रिभुज की रचना में दो स्थितियां संभव है। पहली स्थिति, यदि जिस समरूप त्रिभुज की रचना करनी हो वो दिए गए त्रिभुज से छोटा हो, अर्थात अनुपात m/n में n बड़ा हो m से। उदाहरण के लिए 2:3 अनुपात में 3 बड़ा है 2 से, तो इस स्थिति में सर्वप्रथम ध्यान रखें कि यहाँ पर बड़ी संख्या 3 है, इसलिए त्रिभुज के आधार से न्यून कोण पर झुकी तथा त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत दिशा में खींची गई किरण पर कुल 3 चाप लगाएंगे तथा n की संख्या के बराबर अर्थात तीसरी चाप को आधार के अंत बिंदु से मिलाएंगे। अब दूसरी स्थिति, यदि जिस समरूप त्रिभुज की रचना करनी हो वो दिए गए त्रिभुज से बड़ा हो, अर्थात अनुपात m/n में m बड़ा हो n से, जैसे उदाहरण के लिए 7:5। इस अनुपात में 7 बड़ा है 5 से। इस स्थिति में ध्यान रखें कि यहाँ पर बड़ी संख्या 7 है, इसलिए त्रिभुज के आधार से न्यून कोण पर खींची गई किरण पर कुल 7 चाप लगाएंगे तथा फिर से n की संख्या के बराबर अर्थात 5वीं चाप को आधार के अंत बिंदु से मिलाएंगे, और इसके बाद ही समांतर रेखाएं खींचकर समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे। आइए इससे संबंधित पहली रचना करते हैं, जिसमें m अनुपात n में n बड़ा है m से। एक दिए हुए त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हो के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी प्रत्येक भुजा दिए गए त्रिभुज की संगत भुजा का
3/4 भाग हो। यहाँ हमें त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A'BC' की रचना करनी है, जिसमें A'B बराबर 3/4 AB, A'C' बराबर 3/4 AC तथा BC' बराबर 3/4 BC हो। इसलिए सबसे पहले हम एक अनुमानित आकृति त्रिभुज ABC बनाते हैं, जो दी गई मापों को दर्शाती है। अब माप के अनुसार त्रिभुज ABC की रचना करते हैं। आधार BC के बिंदु B से A के विपरीत दिशा में प्रकार से 60 डिग्री या कोई भी न्यून कोण बनाते हुए एक किरण BX खींचते हैं। BX पर B से प्रारंभ करते हुए प्रकार की सहायता से 4 समान रेखाखंड BX1, X1, X2, X2, X3 और X3, X4 चिन्हित करते हैं। X4C को मिलाते हैं तथा X4C के समानांतर एक रेखा X3C' खींचते हैं। CA के समानांतर C'A' खींचते हैं। अब त्रिभुज A'BC' ही अभीष्ट त्रिभुज है। चलो अब हम एक अन्य रचना करते हैं, जिसमें M अनुपात N में M बड़ा है N से। एक दिए हुए त्रिभुज ABC, जिसकी भुजाएं BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजा का 7/5 भाग हो। यहाँ हमें त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A'BC' की रचना करनी है, जिसमें A'B बराबर 7/5 AB, A'C' बराबर 7/5 AC
तथा बी सी डैश बराबर 7/5 बी सी हो। सबसे पहले हम एक अनुमानित आकृति त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं जो दी गई मापों को दर्शाती है। अब माप के अनुसार त्रिभुज ए बी सी की रचना करते हैं। आधार BC के बिंदु B से तथा A के विपरीत दिशा में प्रकार से 60 डिग्री या कोई भी न्यून कोण बनाते हुए एक किरण BX खींचते हैं। बी एक्स पर बी से आरंभ करके प्रकार की सहायता से 7 समान रेखाखंड बी एक्स वन एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फोर एक्स फाइव एक्स फाइव एक्स सिक्स तथा X6, X7 को चिन्हित करते हैं। X5C को मिलाते हैं। तथा X5C के समांतर एक रेखा X7 से खींचते हैं। जो बढ़ाई गई रेखा BC को C डैश पर काटती है। CA के समांतर एक रेखा C डैश से खींचते हैं। जो बढ़ाई गई रेखा BA को A डैश पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज A डैश BC डैश एक अभीष्ट त्रिभुज है। अब हम वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म की रचना करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक सरलतम रचना करते हैं।
प्रश्न ये है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म खींचिए तथा प्रत्येक की लंबाई मापिए। इसके लिए सर्वप्रथम केंद्र O तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की रचना करते हैं तथा O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु B लेते हैं। से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना के लिए पहले OP को मिलाते हैं। प्रकार से OP का लंब समद्विभाजक खींचते हैं जिसका समद्विभाजक बिंदु M है। M को केंद्र मानकर तथा OM त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। माना ये दिए गए वृत्त को बिंदु Q तथा R पर प्रतिच्छेद करता है। PQ तथा PR को मिलाते हैं। अब PQ तथा PR अभीष्ट स्पर्श रेखा युग्म है। मापने पर हम पाते हैं कि PQ बराबर है PO। अब हम अभ्यास के लिए एक अन्य रचना करते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करो तथा उसकी लंबाई मापो तथा वास्तविक गणना से इस माप का सत्यापन करो। सकेंद्रीय वृत्त, वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो तथा त्रिज्या का माप अलग अलग हो सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की रचना करते हैं जिसका केंद्र O है। अब हम केंद्र O से
6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अन्य वृत्त की रचना करते हैं। फिर हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के इस वृत्त पर कोई बिंदु P लेते हैं, O P को मिलाते हैं तथा रेखाखंड O P का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। माना समद्विभाजक बिंदु M है। M को केंद्र मानकर तथा OM त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। माना ये वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को Q तथा R पर प्रतिच्छेद करता है। PQ तथा PR को मिलाते हैं। अब PQ तथा PR ही अभीष्ट स्पर्श रेखा युग्म है। मापने पर हम पाते हैं कि PQ बराबर है PR। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 डिग्री, BD B से AC पर लंब है, BC तथा D से होकर जाने वाले वृत्त की रचना करो। अब A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करो। सबसे पहले हम एक अनुमानित आकृति त्रिभुज ABC बनाते हैं जो दी गई मापों को दर्शाती है। अब अनुमानित आकृति के अनुसार त्रिभुज की रचना करते हैं। त्रिभुज ABC में B से AC पर लंब डालना है। इसके लिए B को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से इतनी त्रिज्या से AC पर चाप लगाते हैं कि वो AC को दो बिंदुओं E तथा F पर काटे। कोई भी सुविधाजनक त्रिज्या लेकर E को केंद्र मानकर AC के दोनों ओर एक एक चाप लगाते हैं।
उसी त्रिज्या से F को केंद्र मानकर AC के दोनों ओर इस प्रकार चाप लगाते हैं कि वो पहली चाप को R तथा S पर काटे। अब B, R तथा S को मिलाते हैं, जिससे हमें AC पर बिंदु D प्राप्त होता है। इस प्रकार BD लंब है AC। अब हमें B, C तथा D से होते हुए एक वृत्त की रचना करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम त्रिभुज BCD के परिवृत्त की रचना करते हैं। परिवृत्त की रचना के लिए सर्वप्रथम हम त्रिभुज BCD की भुजाओं BC, CD तथा BD के लंब समद्विभाजक की रचना करते हैं। माना ये लंब समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। अब O को केंद्र मानकर तथा OB, OC या OD के बराबर त्रिज्या से एक वृत्त की रचना करते हैं। ये वृत्त त्रिभुज BDC का परिवृत्त है। अब A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना के लिए सर्वप्रथम AO को मिलाते हैं। फिर AO का लंब समद्विभाजक खींचते हैं, जिससे AO पर हमें बिंदु M मिलता है।
ओ को केंद्र मानकर ओ एम के बराबर त्रिज्या से एक वृत्त खींचते हैं, जो पहले वृत्त को क्रमशः टी तथा टी डैश पर काटता है। अब AT तथा AT डैश को मिलाते हैं। अब ये AT तथा AT डैश अभीष्ट रेखा युग्म है। मापने पर हम पाते हैं कि AT बराबर AT डैश।